हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ एसके बाजी और आप देख रहे हैं एसके बी एजुकेशन न्यूज़। आज का मेरा वीडियो है, उसका पर्पज़ है आप लोगों में से कई अपनी जो मूल दिशा है, जो पढ़ाई है, उससे विचलित हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट करने में लगे हुए हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना टारगेट जो है वो अर्जुन की आँख वाली बात आपको शायद पता होगी कि अर्जुन का जो निशाना था वो मछली नहीं, मछली की आँख था। आपका निशाना जो है वो रीट है, नौकरी है, तो उस पर आप टारगेट रखिए। एक दूसरे को टारगेट नहीं करना है। थोड़े दिनों में, यानी पिछले 5 दिन से लगभग मैं देख रहा हूँ कि BSTC और BEd विवाद को लेकर एक ग्रुप काफ़ी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह सक्रिय हो रहा है। कुछ नेताओं को टैग किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि NCT राष्ट्रीय संस्था, उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं या नोटिफिकेशन जारी किया, उसका राज्य स्तर पर कोई समाधान नहीं हो सकता। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए पहले तो अपन राज्य सरकार को अगर किसी टारगेट पे लेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे उल्टा नुकसान है। उस चक्कर में पहले विधिक राय की बात तो ली जा रही है, विधिक राय में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। नवंबर में नोटिफिकेशन आने की जो संभावना थी, उसको आप लोग ऐसे चिल्ला कर या एक दूसरे को टारगेट करके कम करें, तो फिर आपको एक तो भर्ती चाहिए या फिर या इस तरह के कुछ विवाद चाहिए। अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ ये मामला चल रहा है, वहाँ पर स्थिति क्लियर होती जा रही है। जैसे बाकी स्टेट्स की अपन स्टडी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपको पता है पहले से ही लेवल 1 के लिए जो योग्यता परीक्षा है या आपकी जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वो सभी करवाएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए किस हद तक वैलिड है, सबसे बड़ी बात तो ये कि NCT का जो सर्कुलर है वो अपने आप में कंफ्यूज करने वाला है। उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि BEd वालों को प्राथमिकता देनी है या नहीं देनी। BSTC वाले कंप्लीट ज्वाइनिंग के बाद में BEd वालों को मौका दिया जाए या फिर एक साथ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर अपने आप में एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। हो सकता है NCT इसको लेकर कुछ क्लियर गाइडलाइन जारी कर दे विदिन कुछ पीरियड के समय में, तो शायद उसके बाद आपकी स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। आप अपने आप के टारगेट को मत भूलिए। आपका टारगेट है नौकरी प्राप्त करना, और पिछले 1-2 सालों से आप जिस सब्जेक्ट की, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसी में लगे रहें। L1 वाले इसमें ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी अस्तित्व का सवाल है। एक तरफ जहाँ पर 3 लाख लोग बैठते थे, वहाँ पर कम से कम 14-15 लाख लोग बैठेंगे, इसलिए वहाँ उनका ध्यान ज़्यादा विचलित हो रहा है। देखिए, आपको दोनों परिस्थिति के लिए तैयार होना। L1 वालों को मैं पहले कहना चाहूँगा, BSTC वालों को, अगर NCT ने कह दिया है तो फिर कोई समाधान नहीं है। आपको ये टारगेट रखना है कि 15 लाख में भी मुझे अपनी सीट प्राप्त करनी है निश्चित रूप से, और 3 लाख है तो उसमें भी प्राप्त करनी है। इसलिए आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप दोनों स्थिति में आप विनर होंगे। और BEd वाले कृपया ध्यान ये रखें, उनको लगता है कि BSTC वाले, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा जो पोर्शन है भर्तियों का, जो पार्ट है या एक कहेंगे वैकेंसी, जब वो खा जाते हैं और BEd में कंपटीशन टफ है। ये अपने अपने एटीट्यूड है, अपनी अपनी चीज़ें होती है। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कम कंपटीशन होता है, सोशल स्टडीज में ज़्यादा होता है। अगर लेक्चरर्स की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें या थर्ड ग्रेड की बात करें, तो इंग्लिश में थर्ड ग्रेड में कम कंपटीशन है। ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को सेटल करके देखें कि क्या आप प्रत्येक परिस्थिति में इस नौकरी प्राप्त करने के हकदार हैं, क्या आप फिट बैठते हैं। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें। कुछ जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, कुछ दोस्त होते हैं, हमारे भी होते थे, उनका सिर्फ माहौल बनाना काम है। उनके आप चक्कर में ना आए और भर्ती को उलझाने में अपने आप को कोई भूमिका न दें, क्योंकि ऐसी भूमिका आपके लिए और आप सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए मेरा फिलहाल यही कहना था। ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, फिर एक बार लाइव जुड़कर फिर से बात करेंगे। नए मेहमान एक बार सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबाकर और सेलेक्ट करें, और पुराने मेहमान कृपया इसे लाइक कर दें, और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए, कहीं कोई ढिलाई नहीं रहनी चाहिए। कल अपने एक बार लाइव आकर बात करते हैं। जय हिंद।